यस सर। ओके चलिए न्यू कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मतलब ये हुआ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, बोलिए आया यहां तक समझ में। तो देखिए सारे लोग ध्यान दें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तो टॉपिक का मतलब समझ में आ गया ना हम लोग को क्या पढ़ना, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। यस सर। एक मिनट, विभूति भान आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ये नया टॉपिक है, जल्दी लिखिए। आज के लेक्चर में प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके लिए बेसिक बातें ये हैं। देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। ये जो हम बैलेंस करने के लिए नंबर्स लिखते हैं तो इसी को कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एकदम बेसिक से जानिए, पहले चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। आप देखिए इसकी मीनिंग आप समझिए। वन मोल 3 मोल से रिएक्ट किया, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना। हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, मोल हो गया ये आपका, हम इसको मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 टू जा 28 है। तो ये आपको जानना है कि 28 ग्राम है ये। हाइड्रोजन का 1 3 टू जा 6 ग्राम है, और नाइट्रोजन का 14 14 3 17 17 2 34 ग्राम। तो आपको तीसरी इंफॉर्मेशन 22.4 लीटर, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। हाँ यस।
वेरी गुड। थ्री मोल का मतलब 3 × 22.4 लीटर एट एस टी पी, एक दफा लिख दिया तो सब में समझिए वही है, टू मोल है तो 2 × 22.4 लीटर। ये आपको इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि किसी न्यूमेरिकल में हम मोल लिख दिया, किसी न्यूमेरिकल में मास में कन्वर्ट कर दिया किसी में। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, गौर से सुनिए, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चाहे वो मोल के फॉर्म में हो मास के फॉर्म में हो, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। हमेशा याद रखिए इस वाले पार्ट में आप दो ही चीज आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा, पूछेगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये दो चीज आपसे पूछेगा। बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड भी है, शॉर्टकट सब बताएंगे आपको, लेकिन ये याद रखिए कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब ही होता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं रिएक्शंस को, मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। यस सर। चलिए देखिए आप, लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट डन सर। लिख लिया? यस सर। चलिए आप सुनिए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सारे लोग एकदम शांति पूर्वक अच्छे से समझिए कि इस वाले पार्ट में हमें ये सीखना है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या निकालने को पूछेगा आपसे। मान लीजिए अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, ए प्लस बी है, प्रोडक्ट बनाया, तो देखिए जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जल्दी बताइए,
हेलो आवाज नहीं आ रही, कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं कुछ देर के बाद। मान लीजिए कुछ देर के बाद ए जो है वो जीरो हो गया, तो बताइए रिएक्शन स्टॉप होगा या नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या यस सर होगा, यस सर होगा, होगा रिएक्शन स्टॉप, क्योंकि बी फिर किससे रिएक्ट करेगा, इसलिए एक जब खत्म हो गया तो बी को रिएक्ट करने का कोई ऐसा है ही नहीं रिएक्टेंट जिससे वो बी रिएक्ट करे, तो जैसे रिएक्शन स्टॉप होगा तो प्रोडक्ट का बनना भी बंद हो जाएगा। गौर से सुनिए दोबारा, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है तो कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, अब कुछ बच जाते हैं। तो कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गए, कुछ बच गए, जो पूरी तरह कंज्यूम्ड होते हैं उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट, या रिएजेंट बोलिए या रिएक्टेंट बोलिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन is called limiting reagent, जो पूरी तरह consumed हो जाए during the reaction, और जो बच जाए उसको excess reagent कहते हैं। तो अभी का पिछले एक क्लास और होगी, इस पर हम लोग यही दो चीज पढ़ेंगे। तो जब reaction proceed होता है तो कुछ reactant consumed हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है सब consumed हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंज्यूम्ड होता है जरूर, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इसलिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन में पहला फंडा क्लियर करना है कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो गौर से सुने, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है? आप देखिए लिखना शुरू कीजिए, पहला पॉइंट द रिएजेंट तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एलआर कहूंगा। बताइए विभीति बहन, ये समझ में आए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। बताइए इशिका, विभूति, ताहिरा, तारीख एंड सक्षम। यस सर, समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। यस सर, यस सर। आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप मान लीजिए जब भी न्यूमेरिकल में, आपको ये सुनिए कान खोलकर अच्छे से, जब भी क्वेश्चंस में आपको कहे व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट बना, तो हमारा माइंड लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाना चाहिए। क्यों? अभी आपने पढ़ा
जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है। मान लीजिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब जीरो हो गया, तो रिएक्शन स्टॉप, प्रोडक्ट का बनना बंद। तो बताइए प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा कि नहीं, कितना बना? अरे बोलिए। यस सर। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया, प्रोडक्ट का बनना बंद हो गया, इसका मतलब कौन होगा, क्या हुआ, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। गुड, यही क्विक है। पहले एकदम थ्योरी को मजबूत करना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं वो दूसरा पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको। जस्ट पहले लिमिटिंग रिएजेंट से हम क्या क्या चीज, कि हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत है, तो उसकी पहचान यही है कि जब भी न्यूमेरिकल में कहे व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो हमारा माइंड लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाना चाहिए। वो कहे क्यों, बिकॉज पॉइंट वाइज लिखिए, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed during the reaction, कितना product बना वो limiting reagent decide करेगा। समझ में आ गया scientist? Any problem? No sir। आप सुनिए, अभी लिखना नहीं, लिख लिया सब लोग? विभूति, इशिका, ताहरा, तारिक, सक्षम, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यस सर। अच्छा, अब लिखना नहीं है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन ये लिखूं, 2 ग्राम ऑफ H2 लिखना नहीं है, रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ O2 और आपको कहेगा व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। एक क्वेश्चन ये है आपको, यहां पर कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ, दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं सिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोलता तो आपको नहीं समझ में आता, मैं इसलिए लिख के समझा रहा हूं। What amount of water is formed when 2 gram of H2 reacts with O2? सारे लोग ध्यान दीजिए, पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना, बैलेंस 2H2O है, 2H2 है, यहां पर भी सेम है। अब गौर से सुनिए, लेफ्ट साइड को ध्यान दीजिए, कह रहा कितना प्रोडक्ट बना। मैंने अभी कहा जब क्वेश्चन प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन रहे, कितना प्रोडक्ट बना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारे माइंड में लिमिटिंग रिएजेंट रहना चाहिए, कितना प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का अमाउंट कह रहा निकालने के लिए, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, अब गौर से सुनिए, बताइए कितने रिएक्ट, कितने रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। यस यस सर। इशिका, विभूति, ध्यान है इधर सबका, ध्यान दीजिए। यस सर। यस, इस क्वेश्चंस में एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। देखिए दोनों में फर्क, क्वेश्चन में फर्क आया समझ में? यहाँ 2 रिएक्टेंट का 2 ग्राम वाटर H2 और 8 ग्राम O2 देकर पूछ रहा वाटर कितना बना, यहाँ सिर्फ H2 का अमाउंट देकर पूछ रहा वाटर कितना बना। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। इशिका एंड विभूति, आया समझ में फर्क? yes, समझ में आया sir. ये विभूति क्यों नहीं बोल रही है? हेलो विभूति भान, कुछ तो बोलिए तब समझ में आएगा ना। यस सर।
ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत है, इसमें नहीं है। तो याद रखो, जिस न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएजेंट तभी निकलेगा जब अमाउंट ऑफ, पॉइंट सुनिए, अमाउंट ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट आर गिवन इन द प्रॉब्लम। अमाउंट जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का गिवन रहे तब तुम चेक करो लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा। एक रिएक्टेंट का अमाउंट है वहां लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी। तो जब भी न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट का अमाउंट कहे तो पहले माइंड को लाओ लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत होगी, फिर क्वेश्चन में देखो एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है या एक से ज्यादा का गिवन है। जिस न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन रहेगा तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करेंगे प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए। यहां एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी। लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत वही होती है जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो। बताइए आया या नहीं आया समझ में, बोलिए सारे लोग। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। विभूति भान, तारीख, दोनों को समझ में आ रहा है? यस सर। तो लिखिए इब्ता, हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? यस सर। यस सर। तो देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट की थ्योरी हो गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? जो पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाए। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कहां आएगा? ड्यूरिंग द रिएक्शंस। जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन रहे, ये माइंड में घुसा लीजिए आप लोग कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन में हमारा माइंड लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाना चाहिए। और लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट तभी यूज होता है जिस न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो। न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आएगा, अभी तो आप थ्योरी मजबूत करें। अब आइए एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मतलब लिखना शुरू करें, द रिएक्टेंट which is not completely consumed, जो बच जाए, which is not
हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया, चलिए अच्छी बात है। अब आइए क्वेश्चन का वक्त आ गया, सारे लोग ध्यान दीजिए। जैसे आपको कहा व्हाट मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द combustion of ग्राम ऑफ मीथेन। पहले क्वेश्चन लिखिए, मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। बताइए आप लोगों ने लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। प्लीज सारे लोग से रिक्वेस्ट है, पहले ध्यान दें। पहला काम आप रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब सुनिए अच्छे से, सारे लोग डिस्कशन में पार्ट लीजिए। जो चीज मैं पूछ रहा हूं बताइए, सुनो हमारे केल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, यही पूछ रहा है हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ जब भी प्रोडक्ट का अमाउंट पूछे, पहले माइंड में लिमिटिंग रिएजेंट लाइए, ठीक है भाई? फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे, सारे लोग मिलके बताइए एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है कि दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है? एक का। अरे बोलिए ना, एक का सर, एक एक का। तो यहाँ लिमिटिंग लिमिटिंग रीजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए डायरेक्ट, और एक बात और, क्वेश्चन को हमेशा मूल से करेंगे। पहला काम हम मूल्स निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए सारे लोग 0.2 मोल, बस कुछ भी दिया रहा है मोल निकाल लेंगे। पहला काम मोल, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं पहले समझा रहा हूं। तो आप बताइए क्वेश्चन में, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस वन मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए 0.2 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आया या नहीं आया? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? 0.2 मोल। बताइए कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। बताइए सबको समझ में आया? यस। अगर वाटर का पूछता कि कितना वाटर बना, तो 1 मोल गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, तो 0.2 मोल गिव्स 0.4 मोल ऑफ वाटर। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा, कार्बन, तो यहां लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? सर एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा? जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन रहेगा तभी लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करेंगे। अब आप सारे लोग गवाही दें, सबको समझ में आया? विभूति भान, इशिका, तहरा, तारिक, सक्षम, तीन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। विभूति, डिड यू अंडरस्टैंड? विभूति समझ में आया? चलिए लिख लिया।
तो ये सारे लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? यस सर लिख लिया। थैंक यू। मैं खुद समझाऊंगा। सारे लोग लिखिए 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ O2 व्हाट मास ऑफ वाटर इज फाउंड। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। पहला काम प्लीज कुछ भी लिखना बंद कीजिए और सारे लोग देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। हमने कहा पहला काम आप मोल्स निकाल लीजिए। क्वेश्चन को हमेशा मोल्स करेंगे। गिवन मास बाय मोलर मास 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन मास बाय मोलर मास 32 0.25 मोल। अब सारे लोग गौर से सुनो। हमें कह रहा है कितना वाटर बना। तो मैंने अभी सिखाया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। किसी भी न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट का अमाउंट कहे तो आपका ध्यान आपका माइंड लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत है या नहीं। तो देखो 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, देख लो 1 और 2। जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो प्रोडक्ट का अमाउंट कह रहा है तो आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्शन निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन था, डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहां पर 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, प्रोडक्ट का अमाउंट कह रहा है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लिमिटिंग रिएक्शन को चेक कर लेंगे। अब फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि देयर आर amount of 2 reactants are given in the problem, then कह रहा है कितना product का amount बना, तो हम सबसे पहले limiting reagent निकालेंगे। पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया limiting reagent की जरूरत है, ये सबको समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. यहाँ limiting reagent की जरूरत सबको आया ना? Good. Yes. अब हम limiting reagent निकालने का तरीका बता रहे हैं 2 method से। स्कूल में कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो आप 2s2 प्लस O2 है, 2s2O है। देखिए यहां रिएक्शन में 2 मोल है, ऐसा यहां 1 मोल था, यहां 2 मोल है। रिएक्शन में देखिए 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है। प्लीज सुनिएगा अच्छे से, हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। 2 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ O2। 2 मोल ऑफ H2 को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ O2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। इसलिए 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड 1/2 मोल ऑफ O2, मतलब 0.5 मोल ऑफ O2। देख लो 1 मोल ऑफ H2 के लिए 1/2 मोल ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? Yes, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा अभी भी? हाँ सब आ गया। अब तुम देखो मैं लिख कर समझा रहा हूं। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड मोल है आपको, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2 0.5 मोल है।
अच्छा सारे लोग मिलके बताओ क्वेश्चन में O2 का कितना मोल गिवन है? 0.25. तो वही है, पैसा है आपके पास 10 रुपया और रिक्वायरमेंट है 15 रुपए का, तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा ना। अरे बोलिए। यस सर। ध्यान दीजिए सारे लोग, रिक्वायर्ड है 15 रुपया और आपको दिया है पेरेंट्स ने 10 रुपया, तो आपका पैसा खर्च। हाँ वही सामान रिक्वायरमेंट है 7 रुपया, आपके पास है 10, तो आपका बच गया। वही हाल यहां पर है, हमें O2 की रिक्वायरमेंट है 0.5 मोल की और अमाउंट ऑफ O2 गिवन है, मैं लिख के कर रहा हूं 0.25। तो याद रखो जब भी रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज्यादा हो, इसका मतलब आपका पैसा खत्म, इसका मतलब O2 is completely consumed. Did you understand? हाँ या ना? Yes sir. Yes, अरे बोलिए ना। हाँ yes, तो ये हो गया, तो दूसरी मीनिंग हो गई बाई। देखिए याद रखिए, अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो समझ जाओ H2 एक्सेस रिएजेंट है, अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट होता तो O2 एक्सेस हो जाता। इतना एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए लिखा है कि कभी आप भूल जाएं कि सर ने O2 को क्यों लिखा, तो बस सब में यही लाइन याद रखिए। एग्जामिनर एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है। तो बहुत सारे लोग बहुत दिनों के बाद पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, जबकि बहुत आसान है, कॉमन सेंस है, कोई टफ बात नहीं है कि रिक्वायर्ड मोल्स है 0.4, आपके पास है 0.25 और रिक्वायरमेंट है 0.5, तो ज्यादा चाहिए मतलब आपका पैसा खत्म, मतलब मोल कंज्यूम। अब बताइए सारे लोग मिलकर, वाटर की फॉर्मेशन O2 पर डिपेंड करेगी कि H2 पर? चुप क्यों है? हाँ बोलिए, वाटर की फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट कितना बना वो किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बोलो, चूंकि ये पूरा कंज्यूम हो गया रिएक्शन। यस सर। हाँ, एक्सेस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम आंसर निकाल, अभी आंसर आया नहीं, ये तो हमने अब आपको बस यूनिटरी मेथड शॉर्टकट भी बताएंगे, अभी शॉर्टकट सब बताएंगे आपको। तो लिख दो वन मोल गिफ्ट, देखो कितना कॉमन सेंस है, वन मोल ऑफ O2 रिएक्शन में देखो, वन मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर, है ना लिखा हुआ? हाँ या ना? तो इसलिए इसलिए 0.25 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 × 0.25, 0.5 मोल ऑफ H2O, लेकिन आपको कितना मोल बना, तो आंसर हो गया 0.5 मोल, लेकिन आपको मास में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है मास के लिए मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड 9 ग्राम। अगर मोल में आंसर आता 0.5 मोल, मास में आंसर आता 9 ग्राम, दिस इज द आंसर। बताइए डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। बस दिमाग रखना लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस में हम लिमिटिंग रिएजेंट को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। उस समझा, एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत होगी ही नहीं। चलिए आप लोग यहां से लिखना शुरू कीजिए, बताइए लिख लिया था यहां तक? पीछे कर, हाँ यहीं से तो है, यहीं से लिख। Done. Done. Good.
Has everyone completed? No, sir. No, sir. Done, sir. Okay, thank you. चलिए ये बनाइए, ये आप ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, ये सेल्फ स्टडी के लिए, ये किसी भी न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं होना चाहिए. ये आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन को कैसे डिटेल. विभूति भान, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ हो गया, हो yes, गया स्टूडेंट. चलो ये लिखो. यस सर. यस. लिख लिया? वेट सर. डन सर. थैंक यू. आप सुने, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे? देखिए शॉर्टकट मेथड में बताता हूं. शॉर्ट मेथड, देखिए जब भी हमारे यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो हम इतना लिखते नहीं. जब भी आपको कहे तो आप रेशियो निकालिए. रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए, गिवन मोल. अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए. Given mole by stoichiometric coefficient का ratio. ठीक है, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूं आपको. A और प्लस B है. आप डायरेक्ट बताइए, अगर ये 3 मोल है और ये 5 मोल है, डायरेक्ट कहिए भाई 3 मोल और 5 मोल ये कम है तो ये पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाएगा और ये बच जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना. जल्दी बोलिए. यस सर. अल्लाह बोलिए ना सब लोग. बच जाएगा ना, कितना बचेगा? 5 में से 3 क्या? 2 बच जाएगा. हाँ डायरेक्ट कहिए. मैं इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा. जैसे अगर आपके पास अरे इसी का समझ में आया? यस सर. अच्छा लिखना नहीं है. मान लीजिए 2a है प्लस b है. आपको कहा कि ये 6 मोल है. एक मिनट. और आपके पास
एक मिनट, ये थ्री मोड है, बताइए कौन कंज्यूम्ड होगा? थ्री मोल। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये कंज्यूम, ये कंज्यूम हो जाएगा। अब सुनिए, ठीक है, जब भी कोफिशिएंट लगा रहा है, यहाँ कोफिशिएंट वन था, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, जिसका मोल कम वो लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन जब कोफिशिएंट लगा रहे तो आप सतर्क रहिए, आपको सतर्क रहना है, इसलिए कहा गया रेशियो। रेशियो का मतलब ये हुआ, गौर से सुनिए, हो सकता है ये लिमिटिंग रिएजेंट आपका आंसर सही हो, लेकिन जब कोफिशिएंट लगा दे तो वहां थोड़ा सा सावधान रहना है। कोई पूछे जिसका मोल कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता, कहीं ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज करेगा, इसलिए मैंने कहा। अब सुनिए, लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा विच गिव्स लेस रेशियो, विच गिव्स बोलो लेस रेशियो, लेस रेशियो, जिसका रेशियो कम। अब बताओ रेशियो में तो सिर्फ मोल नहीं है, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक है। अब जैसे मिसाल लो, सारे लोग ध्यान दो, इसी न्यूमेरिकल में 2s2 है प्लस O2 है 2s2O है, आपसे पूछा बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपको वाटर और S2 का मोल्स दिया हुआ है 1 मोल, देखो दिया हुआ है ना 1 मोल, निकाला है ना आपने, O2 का मोल है 0.25 मोल, तो हम डायरेक्ट ये कम है तो इसको देखकर आंसर नहीं, रेशियो निकालेंगे। बताओ S2 का मोल, देखो फॉर्मूला लगाओ, गिवन मोल 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, बोलिए हाँ या ना, आ रहा है ना समझ में, गिवन मोल 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसका रेशियो निकालिए 0.5 और यहां 0.25/1 तो 0.25, तो बताइए इसका O2 का रेशियो कम है या नहीं, हाँ या ना जल्दी बताइए। जोर से बोलिए, इशिका बहुत आस्ते बोलती हैं, आप जोर से बोला कीजिए, हमको आवाज साफ नहीं आती, जोर से बोलिए, हाँ बोलिए, यस हाँ इशिका प्लीज, हाँ टेल, गिवन मोल का मतलब यही जो आप, हाँ हाँ गिवन मोल पूछ रही थी शायद, ये गिवन मोल निकाला तो बस जो आपको आपको गिवन मोल दिया हुआ है ना 2 ग्राम, तो उसको मोल में कन्वर्ट किया ना आपने, यहाँ देखिए गिवन मोल का मतलब जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, समझा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, तो देखिए ओ, हाँ तो O2 का रेशियो इज लेस, तो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए O2 लिमिटिंग रिएजेंट आया भी है कि नहीं है आंसर, देखिए O2 लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप रेशियो से निकाल सकते हैं। विभूति, हाँ आपका क्लियर आवाज नहीं आ रही, विभूति बोलिए। Yes sir, I was asking, am I audible to you? हाँ, yeah, you are audible. Yes sir, thank you sir. Sir repeat कर दो sir, reconnect किया था मैंने। अच्छा ये पहले बता, ये लिख लिया था आपने, ये वाला concept समझ में आया था, ये वाला लिख लिया था? Yes sir. अच्छा हम वेरी गुड, हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि जब शॉर्ट मेथड ये है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कि आप रेशियो निकाल लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको, यहाँ देखिए रेशियो का फॉर्मूला होता है गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका रेशियो कम हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे इसी न्यूमेरिकल में आपको 2s2 दिया हुआ है, आपको
2H2 plus O2, 2H2O. तो आपका गिवन मोल का मतलब वही जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो आपको आपको नहीं दिया हुआ था, आपने निकाला O2 का मोल है 0.25। तो अब आप क्या कीजिए, यहां रेशियो निकाल लीजिए शॉर्टकट में। गिवन मोल कितना, 1H2 क्यूमेट्रिक कोफिशिएंट 2 0.5, O2 0.25, H2 क्यूमेट्रिक 1। तो वही मैंने कहा जिसका रेशियो कम हो, तो ये रेशियो कम है इसलिए O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहां डायरेक्ट आंसर आएगा O2 इज एक्सेस रिएजेंट। डिड यू अंडरस्टैंड वो ब्यूटी, यही मैंने समझाया। बोलिए, ये शॉर्ट मेथड बताया कि रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। बोलिए आया विभूति, हाँ या ना? जिसका रेशियो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यस सर। हाँ चले, लिखें आप लोग, सारे लोग लिखें। हाँ, has everyone completed? No sir. Yes, sir. Done. अच्छा, अब एक बात और याद रखिए, मान लिया कोई एक केमिकल रिएक्शन है CC plus DD, ये भी कंसेप्ट याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय स्मॉल ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय स्मॉल बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय स्मॉल सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बाय स्मॉल डी। अच्छा बताइए सारे लोग, इसमें अगर हमें एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया रहेगा तो बी या सी या डी निकल जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए यार। अरे ये चारों को मैंने बराबर कर दिया, अगर एक की भी इंफॉर्मेशन मालूम होगी तो सबकी निकल जाएगी कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अरे ए मालूम है तो बी निकल, जैसे देखिए, जैसे आप देखिए 2H2 plus O2, 2H2O है आपके पास। अभी आपने पढ़ा कि H2O की फॉर्मेशन O2 पर डिपेंड करेगी, आप डायरेक्ट लिख दीजिए नंबर ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1 should be equal to number of moles of H2O divided by 2. तो देखिए number of moles of H2O कितना बना, 2 into O2 का कितना मोल था, 0.25। बताइए वही आंसर आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया कि आप जल्दी कर लेंगे। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब दिमाग भी लगाइए ना, O2 जितना है उसका डबल बन रहा है, तो भाई तो कह रहा है NH2O ऑक्सीजन का जस्ट डबल बन रहा है, तो इसको मैंने इस रिएक्शन में जब भी आपको B मालूम है A निकालना हो निकल जाएगा, B मालूम है C निकालना हो निकल जाएगा। तो बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर। इशिका, इशिका सेन आया समझ में? यस सर। विभूति भान, हाँ वेरी गुड, विभूति भान आया? यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, ये मैंने पूरा समझा दिया, समझा? अब आप क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता हूं, आपको खुद सोचना है।
डन क्वेश्चन लिख लिया पहला काम मैं खुद करूंगा इसको उसके बाद आप लिख लीजिएगा पहला काम हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे Fe प्लस ओ टू एफ ई टू ओ थ्री है आपके पास दो से मल्टीप्लाइड फोर एफ ई थ्री ओ टू फिर से दोबारा लेक्चर को सुनिए अगर आपको कोई डाउट उट होगा वो क्लियर होगा हमें न्यूमेरिकल में कह रहा है कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बना निकालना है तो मैंने आपको सिखाया किसी भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट का अमाउंट कहे तो आपका माइंड लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाना चाहिए हम क्वेश्चन में देखेंगे कि दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है अब प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट का अमाउंट देकर प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है अब स्कूल के एग्जाम में आपको लॉन्ग मेथड से करना है ऑब्जेक्टिव मेरा है तो शॉर्टकट कर लेना है तो फिर वही बात आप यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करें फोर मोल ऑफ आयरन रिक्वायर्ड शुरू के तीन क्वेश्चन को मैं डिटेल मेथड से करूंगा बाकी सबको मैं शॉर्ट मेथड से करूंगा फोर मोल ऑफ आयरन देखिए फोर मोल आयरन मैं लिख भी देता हूं फोर मोल क्यों लिया दिस इज फोर मोल और दिस इज थ्री मोल रिक्वायर्ड थ्री मोल ऑफ ओ टू सारे लोग ध्यान दीजिए तो वन मोल ऑफ आयरन रिक्वायर्ड थ्री बाई फोर मोल ऑफ ओ टू इसलिए देखो कितना मोल दिया हुआ है 0.2 तो 0.2 मोल ऑफ आयरन रिक्वायर्ड थ्री बाई फोर इंटू 0.2 तो ये आपके पास आ गया 0.15 मोल ऑफ ओ टू अब आप लोग बताइए रिक्वायर्ड मोल है 0.02 और गिवन मोल है 0.2 तो बताओ रिक्वायर्ड मोल कम है अमाउंट आपके पास ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि ओ टू एक्सेस रिएजेंट है मतलब आयरन लिमिटिंग रिएजेंट है बताइए अब सारे लोग बताइए हाँ या ना समझ में आया या नहीं आया यस सर यस सर अब ये कॉमन सेंस की बात अगर किसी को ना समझ में बहुत आसान है रिक्वायर्ड मोल 0.15 है और अवेलेबल है 0.2 तो देखो 0.2 ज्यादा है ना तो बच जाएगा ओ टू बच जाएगा रिक्वायरमेंट कम है अवेलेबल ज्यादा है अरे बोलिए आया या नहीं आया आया यस सर हाँ तो अब इससे ये साबित हुआ कि Fe2 की फॉर्मेशन आयरन पर डिपेंड करेगी तो आपको लिखना है और से सुनिए फोर मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस टू मोल देखिए तो टू मोल ऑफ Fe2O3 टू मोल ऑफ Fe2O3 इसलिए वन मोल प्रोड्यूसेस टू बाई फोर इसलिए 0.2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस 2/4 0.2 तो 0.1 मोल ऑफ Fe2O3 इतना आंसर आया अब देखिए इतना आंसर लाने के लिए पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना होगा सबको समझ में आया या नहीं आया यस सर आ गया यस सर आ गया यस सर आ गया देखिए सारे लोग अब लिखना शुरू कीजिए
सर डन डन गुड यस सर हाँ डिड यू अंडरस्टैंड हाँ लिख लिया यस सर ओ किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में तो नहीं आ रही है आप लोग कर लेंगे आप मैं क्वेश्चन दूं यस सर आप क्वेश्चन हाँ आप थोड़ा सा हाँ मैंने डिटेल में बता दिया गलत या सही ट्राई करें आप पहले कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप डायरेक्ट आंसर देंगे सिर्फ आपको बताना है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग ढाई ढाई आंसर दीजिए डायरेक्ट दीजिए डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं शॉर्टकट डायरेक्ट जैसे चाहे आप दें आंसर हाँ जल्दी जल्दी बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ए ए ए इसमें कौन है बी 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 नहीं बी टू
इसमें दोनों है, थ्री मोला पे दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं? यस सर। हाँ दोनों कंज्यूम, दोनों थ्री बाई थ्री। आया समझ में सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है। अब देखिए सर, थर्ड वाले में दोनों लिमिटिंग रिएक्शन कैसे है? दोनों तो सेम ही है। हाँ तो दोनों होगा, थ्री बाय में दोनों कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है दोनों कंज्यूम हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा एक साथ। ओके साइंटिस्ट। यस सर। गुड, बहुत थिंकर स्टूडेंट हैं आप, गुड। तो ये आपको बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये छोटा छोटा, अरे विभूति भान कुछ नहीं बोलती है, विभूति भान आया? ये अल्लाह, ये कुछ बोलती भी नहीं है। यस सर। हाँ बहुत तेज हैं आप, थैंक यू सर। वो म्यूट पे था सर। अच्छा अच्छा, चलिए समझ में आ रहा है ना, बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ ठीक, वेरी गुड। ना आए तो मैसेज कर दिया कीजिए चैट बॉक्स में, कोई बात नहीं है। यस सर। पहला काम रिएक्शन लिखा आप लोगों ने सर, 2mg। पहले आप मोल्स निकाल लें, गिवन मास बाय मोलर मास 1/20 0.05, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अरे बोलिए ना, आ रहा ना समझ में? यस। तो 0.56 डिवाइडेड बाय 32, 0.01। अब यहाँ पर, अब तो डिटेल मेथड बता ही दिया आपको मैंने, रेशियो निकाल लीजिए। हाँ आप डायरेक्ट कर लीजिए, डिटेल मेथड तो बता ही दिया, अब कितनी दफा मैं बताऊं? देखिए 0.025 यहाँ पर है, 0.01 बताइए, 0.02 ज्यादा है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बोलिए आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए आया। यस सर। हाँ जिसका रेशो आप yes. हाँ तो MgO की फॉर्मेशन O2 पर डिपेंड करेगी, डायरेक्ट बना लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO बाय 2। सो द स्टाइल में जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स 2 * नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और 2 * नंबर ऑफ 0.1 0.02 मोल। बताइए आया कि नहीं आया, आंसर बताइए। यस सर। बहुत आसान है। हम एक क्लास और लेंगे, इस पर कुछ और कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा। चलिए आज इतना ही, ओके बाय बाय। किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर।